फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए अर्जेंट टेक एंड ट्रिक को, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन वीडियो, और देखते रहिए अर्जेंट टेक एंड ट्रिक। हेलो वेलकम गाइस, आरजे टेक एंड ट्रिक। दोस्तों अक्सर हमारे स्मार्टफोन पर स्क्रीन हैंग होने की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, यानी स्क्रॉल करने पर हमारी स्क्रीन प्रॉपर रिस्पांस नहीं करती। वीडियोस, म्यूजिक प्लेलिस्ट को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो अटक अटक के ऊपर या नीचे होते हैं, और स्क्रीन के इस लेट रिस्पॉन्स पर कई बार दूसरी फाइल्स और कंटेंट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ये गुस्सा आता है। तो आप स्क्रीन की इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्क्रीन हैंग की प्रॉब्लम है क्यों होती है। स्क्रीन हैंग की प्रॉब्लम इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि फोन की मेमोरी में स्पेस कम होता है, तब अक्सर फोन हैंग होने के साथ स्क्रीन का टच लेट रिस्पॉन्स करता है। दूसरी बात, फोन में कई बार यूजर्स हैवी एप्स जो होते हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन हैंग होने लगती है। और तीसरी बात, आपका फोन अगर हीट हो रहा है तब स्क्रीन हैंग होने की प्रॉब्लम आने लगती है। ज्यादा गेम्स जो खेलते हैं ना, ज्यादा मेमोरी की गेम्स अगर हमें खेलना पसंद है तो उससे हमारे फोन में हीटिंग प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है और स्क्रीन एकदम प्रॉपर काम नहीं करती है। तो इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक एप्लीकेशन का नाम, जिसका नाम है टच स्क्रीन रिपेयर। टच स्क्रीन रिपेयर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टच स्क्रीन रिपेयर हर फोन में, हर डिवाइस में अलग अलग स्पेस लेता है। इस ऐप को लगभग अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, और इस ऐप को लोगों ने 4.6 की रेटिंग मिली है। तो हालांकि ये काफी लोग पसंद कर रहे हैं और काफी यूजफुल ऐप है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे यूज करना है आपको। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से टच स्क्रीन रिपेयर को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लें। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो एक मैसेज आएगा हाउ इट वर्क्स, तो ये कैसे काम करता है आप इसे पढ़ सकते हैं, देन ओके कर दें। ओके करने के बाद इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको ग्रीन कलर पे टैप करना है। जहां जहां ग्रीन कलर शो हो रहा है वहां पर आपको टैप करते जाना है। ये सैंपल्स 1, 2, 3 ऐसे काउंट होंगे। ये 3 सैंपल्स होते हैं जिन पर आपको टैप करते जाना है। जैसे आप इन तीनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे तब टच स्क्रीन रिपेयर ऑटोमेटिक आपके फोन पर वर्क करना शुरू कर देगा। टच स्क्रीन रिपेयर क्या करता है, ये स्क्रीन के टच लैग्स को रिमूव करके उसे इम्प्रूव करता है। इस प्रोसेस के बाद स्क्रीन का टच बेहतर रिस्पॉन्स करने लगता है, और ये ऐप स्क्रीन के टच रिस्पॉन्स टाइम को भी कम कर देता है, यानी वो तेजी से रिस्पॉन्स करती है। ये बिल्कुल लाइट ऐप है और इसमें कोई भी अनवॉन्टेड ग्राफिक्स नहीं है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपका दिन शुभ रहे।